हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का इस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम टाटा टियागो के बारे में जो है अपने रिव्यूज और बताते रहेंगे आपको, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों टाटा टियागो जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि टाटा ने एक स्मॉल कार सेगमेंट में इसको लॉन्च किया है, और इसका एक सेदान वर्जन भी आता है, कॉम्पैक्ट सेदान वर्जन जिसको टाइगोर कहते हैं। फिलहाल हम टाटा टियागो के बारे में बात करेंगे, जो कि एक हैचबैक वर्जन है और एक छोटा कार का वर्जन है। स्मॉल कार सेगमेंट में टाटा ने एक बहुत ही सक्सेसफुल कार जो है इंडियन मार्केट में ऑफर किया है, और टाटा इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है कुछ दूसरे मुल्कों में। दोस्तों इसमें दो टाइप के इंजन आते हैं, एक आता है रेवोटॉर्क डीजल, एक आता है रेवोट्रॉन पेट्रोल। जो दोस्तों जो डीजल इंजन है वो 1047 सीसी का डीजल इंजन है, यानी कि 1 लीटर का जो है 1.0 लीटर का डीजल इंजन है। ये एयरबैग जो है ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड में एयरबैग्स आते हैं, इसमें ABS आता है, इसमें जो ऊपर के जो अपग्रेडेड मॉडल्स है उसमें, और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ सेंट्रल लॉकिंग भी आता है, फॉग लैम्प है फ्रंट में। और दोस्तों ये 69 BHP निकालता है एट द रेट ऑफ 4000 रोटेशन पर मिनट, और जो इसका टॉर्क है मैक्सिमम टॉर्क वो है 140 न्यूटन मीटर का एट द रेट ऑफ 1800 to 3000 RPM, यानी 1800 से 3000 रोटेशन पर मिनट के दरमियान ये 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। 3 सिलेंडर इंजन है, और लगभग इसका जो माइलेज टेस्ट किया गया है वो 27.28 किलोमीटर पर लीटर का है, और दोस्तों बहुत बढ़िया है ये। और दोस्तों ये डीजल इंजन का था, अब दोस्तों पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, यानी कि रेवोट्रॉन। ये दोस्तों 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, यानी कि 1199 सीसी का, ये 83.833 BHP निकालता है एट द रेट ऑफ 6000 RPM, और इसका जो मैक्सिमम जो टॉर्क है वो है 114 न्यूटन मीटर का, यानी कि 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क है एट द रेट ऑफ 3500 RPM। 3 सिलेंडर है, 5 स्पीड गियर्स है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, 950 जो इसका कर्व वेट है पेट्रोल मॉडल का, 23 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी माइलेज का ऑफर देती है। इसका पेट्रोल इंजन में लगभग 23 किलोमीटर निकाल लेता है, और लगभग 150 किलोमीटर इसका पर आर की जो है टॉप स्पीड है, 150 किलोमीटर पर आर की। जो टायर का साइज है दोनों डीजल और पेट्रोल वर्जन में 155/80R13, यानी कि 13 इंच का इसमें टायर लगा हुआ है। और दोस्तों इसके जो प्रोज है वो है इजी टू मैन्यूवरेबल इन द सिटी, और दोस्तों इसका जो क्लच है वो बहुत अच्छा कंफर्टेबल है और लैग नहीं होता है क्लच, और जो स्पीड है वो राइट क्वालिटी बहुत अच्छा एफिशिएंट डीजल इंजन है और बहुत अच्छा माइलेज निकाल के दे देता है। और दोस्तों ये छोटी गाड़ियों के कारण जो सिटी में जो आपकी जो राइड क्वालिटी है, जो राइडिंग है वो बहुत अच्छा कंफर्टेबल भी देता है, और इजीली ये कहीं भी मुड़ भी सकती है, पलट भी सकती है, बहुत ईजी इसकी ड्राइविंग है। अब दोस्तों जो इसके कॉन्स है वो ये है कि एर्गोनॉमिक जो है कुड बी बेटर, अगर एर्गोनॉमिक्स जो है इसमें हम बैठने का तरीका और स्टेयरिंग जो हैंडल करते हैं ड्राइवर्स उनको थोड़ा सा बेटर दे सकते थे, और जो नॉन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, उसको स्ट्रांग होना चाहिए था। बाकी जो है इजी टू मेंटेन है और बहुत अच्छा सेलिंग प्रोडक्ट है इसका टाटा का, और स्मॉल कार सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसका जो बैक प्रोफाइल है वो देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया है, बहुत ही एडवांस है, और फ्रंट प्रोफाइल भी आपने देखा है। तो दोस्तों आगे आने वाले और ऑटोमोबाइल्स के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।